बेटा अब हमें अपनी एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर में लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, सबको लोएस्ट पावर पे लिखेंगे। 2 की पावर 3 ऐसे ही, 3 की पावर 4 ऐसे ही, 4 को लिख लेंगे 2 into 2, 3, 32 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 into, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि ये इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, 3, 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई बारा हो रहा है 5 टाइम्स, सो 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, 3 plus 2 इंटू 3 की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 5, ऊपर हो गया 3 plus 2 यानी 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। अब सेम बेस है तो डिवाइड वाला माइनस में जाता है, कोई पावर नहीं है तो 1 कहलाती है, 4 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 5 माइनस होगा, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो नंबर 1 आता है, 3 की पावर 3, तो आपका आंसर हो गया 3 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, क्या करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को लिखते हैं, पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 5 की पावर 4, डिवाइड वाला यहां चला। अब आपको बताएं 5 की पावर 2 3 जा 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। देखिए ये पावर की पावर थी इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए इनकी पावर ऐड होगी, ये डिवाइड में इसलिए ये पावर सबट्रैक्ट होगी, तो 5 की पावर 10 माइनस 7 5 की पावर 3, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है तो 1 plus 1 plus 1, 1 plus 2 plus 3, सो आंसर विल बी 3। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 is 3। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 1 plus 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 plus 1 is 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2, दैट विल बी आंसर। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब क्वेश्चन नंबर है 6, 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 into 5 यानी 5 की पावर 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय
5 की पावर 3, क्या करना, 25 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है। तो पहले इसे लोएस्ट पावर में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से 25 होता है, यानी 5 की पावर 2 होल पावर 4। पावर की पावर गेट मल्टीप्लाई, वी नो दैट, एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। सो 4 टू जा 8, और डिवाइड वाली पावर कहीं में जाती है, माइनस में। तो ये हो गया बेटा 5 की पावर 8 माइनस 3 इज 5, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 2 होल पावर 2। पहले 2 की पावर 3 है, ये 2 की कोई पावर नहीं है तो 1 कहलाती है, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 होल पावर 2। 2 की पावर 3 प्लस 1 इज 4 होल पावर 2। आपको पता है पावर की पावर गेट मल्टीप्लाई, सो 2 की पावर 4 इंटू 2 2 की पावर 8, दैट विल बी आंसर। अब आप देखिए इसका 8 पार्ट, 2 की पावर 8, x की पावर 5, 4 की पावर 3, x की पावर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 8 ऐसी रखेंगे, x की पावर 5 है ये 3 है, ये 3 ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि x 3 x की पावर 5 के डिवाइड में है, सेम बेस डिवाइड में है तो पावर माइनस में जाती है। 4 को लिख लेंगे 2 इंटू 2, ये पावर 3 ऐसे ही रहेगी, 2 की पावर 8, x की पावर 5 माइनस 3 इज, ये हो गया 2 की पावर 2 होल पावर 3, 2 की पावर 8 एक्स स्क्वायर, पावर की पावर गेट मल्टीप्लाई, यानी 2 थ्री जा 6। अब ये भी पावर सबट्रैक होंगी, 2 की पावर 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, यानी 2 की पावर 8 में से 6 गया, बचा 2 एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं सिंप्लीफाई करना है या नहीं, से पावर में ही छोड़ना है, सो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11 की पावर 3। देखिए कैसे करेंगे, 3 इंटू 7 स्क्वायर ऐसे, 11 की पावर 8 ऐसे ही, 11 की पावर 3 ऐसे ही, इस 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7, इस 3 से ये 3 कट हो गया। अब सेम बेस है तो पावर डिवाइड में सबट्रैक होगी, 2 में से 1 गया, 8 में से 3 सबट्रैक हो गया, 7 इंटू 11 में से 8 में से 3 गया 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है a की पावर 5, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8। देखिए क्या करेंगे, आपको पता है डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती है, तो a की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8, ए की पावर 2, 5 में से 3 गया बचा 2, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 8, सेम बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी, 8,
2 plus 8, 8 की a की पावर 10 आंसर। फिर से समझिए, क्वेश्चन था a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8, सेम बेस डिवाइड में इसलिए पावर सबट्रैक्ट हो गई, 5 में से 3 गया बचा 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है इसे दोनों को ऐड कर दिया, आंसर हो गया a की पावर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 3 की पावर 7 3 की पावर 4 इंटू 3। देखिए क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 4 प्लस 1 इज 5। आप ये दोनों डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट करेंगे, 7 में से इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस 5, 3 की पावर 2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 4 की पावर 5 a की पावर 8 b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 a की पावर 5 b की पावर 2। देखिए सेम है, ये तो कैंसिल भी कर सकते हैं और ऊपर ले जाके पावर सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए 8 है a की पावर 8, 8 में से 5 क्या होगा माइनस, b की पावर 3 है इससे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी सबट्रैक्ट। देखिए सेम बेस है, पावर सबट्रैक्ट होगी, 8 में से 5 क्या b 1 की पावर 3 में से 2 माइनस होगा, 8 में से 5 क्या 3, 3 में से 1, 3 में से 2 गया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है 2 की पावर 5 होल पावर 2 7 की पावर 3 8 की पावर 3 इंटू 7। देखिए कैसे करेंगे, पावर की पावर है गेट मल्टीप्लाई, नाउ 5 टू जा 10 हो गया, 7 की पावर 3 ऐसे ही इसे प्राइम फैक्टर करके लिखेंगे बेटे, और ये ऐसे होल पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, नीचे वाला 7 ले जाएंगे ये पावर 1 कहलाएगी, ऊपर जाकर ये सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो चलिए बाद में करते हैं। 1, 2, 3 कितनी पावर आई 3 और होल पावर है 3 इंटू 7। ठीक है फिर से देखिए 5 टू जो 10 हो गई पावर, 7 की पावर 3 ऐसे, 8 को लिखा 2 टू जो 4 टू जो 8 7 ऐसे, फिर 1, 2, 3 इट्स ऑफ मल्टीप्लाई है इसलिए पावर 3 हो गई, होल पावर 3 ऐसे ही 7 ऐसे ही ऊपर वाला ऐसे। अब क्या करेंगे देखिए 3 थ्रीजा 9 हो जाएगी, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 थ्रीजा 9, 7 की पावर 3 है नीचे 7, 10 में से 9 माइनस होगा 2 रह गया, 7 की पावर 3 में से 7 की पावर 1 माइनस हो जाएगी, 2 इंटू 7 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है 25 इंटू 5 स्क्वायर टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इंटू टी की पावर 4। क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2 ऐसे, टी की पावर 8 ऐसे, 10 को लिखेंगे होल क्यूब ऐसे ही और टी की पावर 4
ऐसे 10 को लिख लेंगे 2 5 4 10। आप देखिए 1 2 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 3 की पावर 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे है तो ए की पावर m हो जाता है और b की पावर भी m हो जाता है। यहाँ पे दोनों नंबर है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। पावर ऐड होगी 5 की पावर 4 3 की पावर 8। आप क्या करेंगे बेटा, 5 की पावर 4 सेम बेस ये है, 2 तो नीचे ऐसे रहेगा, 4 में से पावर 3 क्या होगी माइनस, 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 4 डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 3 की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर होगी बात। नाउ अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक ना बात क्लियर हो गई। आप लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है।